आज मैं अपने व्लॉग में एक और सूट बताऊंगी, रंगून बाय रिमशा का है। ये देखिए, मिडनाइट ग्लैमर है, इसका ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है और सीक्वेंस का काम है और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हुआ हुआ है। इसका दुपट्टा नेट का है। चलिए मैं आपको अब ये खोल के बताती हूँ। देखिए इनकी पैकिंग कितनी अच्छी होती है। ये देखिए, अच्छा ब्लैक और ब्लैक है। हाँ, ब्लैक के ऊपर रेडिश एम्ब्रॉयडरी है। मरून सॉरी। ये देखिए माशाल्लाह, शर्ट का फ्रंट देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ब्लैक के ऊपर रेड है और हाउस है। जो मुझे पैटर्न समझ आ रहा है, ये मेरे ख्याल से जो कोरियन हाउस नहीं होते चाइनीज के, है ना, डोर, ये जो चाइना के जो टेंपल्स होते हैं, रूफ होते हैं जैसे घरों के टेंपल्स जो होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका पैटर्न है और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी खूबसूरत हुई हुई है। सीक्वेंस वर्क कितना फाइन हुआ है कि आपका ये सारा शिफोन के ऊपर काम हुआ है, प्योर शिफोन के ऊपर ये सारा सीक्वेंस का काम हुआ है। और इसका ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। इसकी ऊपर की साइड कौन सी, नीचे की कौन सी है? ये नेक है, ये साइड नेक है, ये जो है ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है और ये ऊपर वाला जो है नेक। और देखिए इसका नेक कितना खूबसूरत है, कितना यूनिक डिजाइन हुआ है, लाइक अ स्पाइडर वेब, कितना खूबसूरत हुआ है, कितनी हैवी सारा काम हुआ है सीक्वेंस का पूरी शर्ट पे फ्रंट। ये जो है ये इसका ट्राउजर है, ये इसका ट्राउजर है और इसकी आप शलवार भी बना सकते हैं। ये देखिए ये स्लीव्स के पैचेस हैं, स्लीव्स जो है ना उसके पैच हैं। ये देखिए ये स्लीव्स है, थ्रेड वर्क का सारा काम हुआ है, स्लीव्स के ऊपर सीक्वेंस वर्क नहीं है, थ्रेड वर्क है और बहुत ही फाइन काम हुआ है कि आपका नीचे से भी जो धागे वगैरह वो बिल्कुल भी वो रफ नहीं है। ये देखिए ये सारा जो है ये स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर ये पैच लगेंगे, ये एक आ जाएगा, ये दूसरे बाजू पे पैच आ जाएगा। ये देखिए ये पैच, ये भी पैच, ये है इसका बॉर्डर शर्ट का, ये शर्ट का दामन है, दामन का जो बॉर्डर है ना वो ये है। शर्ट ऑलरेडी इतनी सीक्वेंस वाली है कि दामन पे इतना सीक्वेंस नहीं है, ये सारा थ्रेड वर्क है। ये शर्ट की बैक है, बहुत खूबसूरत ग्रेश ब्लैकिश ग्रेश थ्रेड वर्क हुआ है इसके ऊपर। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा जो है ना ये बैक है शर्ट, ये ट्राउजर का पैच है, ट्राउजर के पोंचे का पैच है, ये ट्राउजर जो हमने इसके पोंचे का ये पैच है, इसके ऊपर भी सारा थ्रेड वर्क हुआ है। ये देखिए इसके यहाँ पे जो है ट्राउजर पे ये पैच लगा हुआ है।
ये देखो फिर दुपट्टा कितना खूबसूरत है। ये सारा नेट के ऊपर थ्रेड वर्क हुआ है, नेट का दुपट्टा है इसका। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था उसका बनारसी दुपट्टा था, वो और तरह का खूबसूरत था। ये नेट के ऊपर इन्होंने थ्रेड वर्क सारा किया हुआ है, ये यूनिक थोड़ा सा लग रहा है और ज़्यादा हार्ड नेट नहीं है, सॉफ्ट नेट है, तो इसलिए अकड़ा हुआ भी आपको नहीं लगेगा कि नेट अकड़ी हुई हो आपको दुपट्टा लेते हुए। सॉफ्ट नेट है, ये सॉफ्ट नेट की वजह जो है, सॉफ्ट नेट की वजह से ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। और शिफोन की अपनी लुक होती है, नेट की अपनी लुक होती है, लेकिन मैं नेट के दुपट्टे वैसे लेती नहीं हूँ, लेकिन इस ये देखिए ये नेट जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए इसका दुपट्टा अच्छा लगेगा। और इस नेट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी लगती है, सारा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, इवन ये पर्ल्स भी लगे हुए हैं। इस सूट की प्राइस क्या है? 6580। अच्छा, 6580। और ये इस दुपट्टे का जो नीचे का जो बॉर्डर है ना, उसका भी पैच है। दुपट्टे के जो दो साइड के जो बॉर्डर्स है ना, उसका ये पैच है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगले व्लॉग में भी मैं आपको रमशा का ही एक और बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।